9 साल की उम्र में भालू के साथ फाइट करने की स्टोरी हबीब की सबको पता है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपसे 3 ऐसी स्टोरी डिस्कस करूंगा जो हबीब के कुछ खास फैंस को ही पता है जो उन्हें काफी डीपली फॉलो करते हैं। मजा आएगा इस वीडियो में आप लोगों को हबीब के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ में और उनके फादर के बारे में जानने को बहुत कुछ इस वीडियो से मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 9 साल की उम्र में भालू के साथ फाइट करने, रेसल करने की स्टोरी तो सबको पता है। उनसे पूछा गया कि 9 साल की उम्र में जब भालू से आपने फाइट की तो आपकी मम्मी ने आपको मना नहीं किया, आपके फादर को डांटा नहीं कि मेरे इतने छोटे से बच्चे को आप भालू के पास ले गए? तो हबीब ने कहा कि उस टाइम पर मैं बहुत बच्चा था, मुझे इतना याद नहीं है, मैं सिर्फ 9 साल का था। इमेजिन कीजिए कि आप अपने 9 साल के बच्चे को भेजेंगे भालू के पास? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पहली स्टोरी ये है कि हबीब के फादर किसी भी फंक्शन में जब हबीब को लेकर जाते थे तो ये देखते थे कि इस फंक्शन के अंदर हबीब की एज जितना, हबीब के जितना लंबा चौड़ा कोई लड़का है, अगर कोई ऐसा मिल जाता था तो वो उसे बुलाते थे और हबीब के साथ रेसलिंग का मैच कराते थे। और अगर खुदा न खास्ता रेसलिंग के मैच में उसने हबीब को टक्कर भी दे दी तो फिर MMA की फाइट उसके साथ कराते थे। है ना अमेजिंग बात। दूसरी स्टोरी का बहुत कम फाइट फैंस को पता है। UFC का कॉन्ट्रैक्ट आने से 10 दिन पहले ही हबीब ने एक फाइट जो है साइन कर ली थी एक ब्राजीलियन फाइटर के साथ, और वो फाइट दागिस्तान के अंदर होनी थी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद हबीब ने अपने फादर को कहा कि देखो फादर, मुझे अब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, 10 दिन के बाद मेरी दागिस्तान के अंदर फाइट है, मैं ये फाइट नहीं करना चाहता हूँ, मैं अनडिफीटेड हूँ, अगर मैं यहाँ पर हार गया तो UFC में कैसे जा पाऊंगा? तो हबीब के फादर ने क्या कहा होगा, अगर पसंद आए तो लाइक करना। हबीब के फादर ने कहा कि बेटा, अगर तू यहाँ नहीं जीत सकता तो वहां पर जाकर क्या जीतेगा? तो उसी दिन से हबीब के माइंड में यह बात बैठ गई, एनीबडी, एनीवेयर, एनी टाइम, बस 155 पाउंड बना लो, उसके बाद चाहे किंग कॉन्ग को मेरे पास ले आओ। तो इसी इंसिडेंट के बाद हबीब की सोचिए बदली थी। राफेल डोस सांटोस को हराने के बाद हबीब ने पहली बार बेल्ट जीत ली लाइटवेट की, लेकिन उनको इंजरी हो गई और ये इंजरी उनको 2 साल तक चलती रही, वो 2 साल तक घर बैठे रहे। इन 2 साल के बीच में उन्होंने जब भी वापसी करने की कोशिश की, ट्रेनिंग करने की कोशिश की, उन्हें दोबारा से इंजरी हो गई। तो एक दिन तंग आकर वो अपने फादर के पास गए और उन्होंने कहा कि फादर, मुझे लगता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं रिकवरी ठीक से नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं UFC के अंदर फाइट कर पाऊंगा। तो हबीब के फादर ने क्या कहा होगा, हबीब के फादर ने उसे कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे पास एक रात का टाइम है, तुम सोच लो, सुबह मुझे बता देना, अगर तुम UFC के अंदर दोबारा जाकर चैंपियन नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, मैं अपने कैंप में से किसी और फाइटर को तैयार करके चैंपियन बना दूंगा, लेकिन इस फाइट कैंप से एक चैंपियन जरूर निकलेगा। तो इतना सब सुन के हबीब को ये लगा कि मेरे फादर का इतना बड़ा ड्रीम है तो अपने फादर का ड्रीम मैं पूरा नहीं करूंगा, उनका लड़का तो और कौन पूरा करेगा। तो हबीब ने रिकवरी की, 2 साल के अंदर जो है अपने आप को ठीक किया और दोबारा से UFC के अंदर आकर बेल्ट जीती। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को डिस्कस किया जो हबीब के कुछ जबरे फैंस को ही पता है। अगर आप हबीब, इस्लाम और दागिस्तान के फाइटर्स के जबरे फैन हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो पहुंचा दीजिए हर उसके पास जो फाइट फैन है हबीब का। टेक केयर, ख्याल रखें।